हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर बार मैं कुछ अलग कुछ नया आप लोगों तक लेकर आती हूं, वैसे मैं आज आई हूं बेगूसराय के सेट पे, जहां पर 100 एपिसोड कंप्लीट हुआ है और हर कोई उसका जश्न मना रहा है। लेकिन मैं यहां पे सबसे शातिर दिमाग वाली बिंदिया को ढूंढ रही हूं, जो कि मिल नहीं रही है मुझे। लेकिन ये मोहतरमा यहां खड़ी है, इनसे पूछते हैं बिंदिया कहां गई। आपने बिंदिया को देखा है? हाँ, बिंदिया अपने कमरे में ना प्रियम की फोटो लेकर रो रही होगी। ओ तेरी, लेकिन अगर इनको देखा जाए तो ये भी थोड़ी थोड़ी बिंदिया जैसी लग रही है ना। सच में जरा आप अच्छे से देखिए इन्हें। चलिए, वैसे हमने इनका झूठ पकड़ा है, आप बिंदिया ही हैं। और एकदम अलग अंदाज में है श्वेता, एकदम अलग अंदाज में, मतलब ये फैंस के लिए भी सरप्राइज है बिंदिया से। फिर से एक बार श्वेता तिवारी। हाँ, वरना अगर बिंदिया पहन कर रहूँ तो वो ब्लैक साड़ी में कब तक रहूँगी। हाँ। बहुत गर्मी हो रही है तो मैंने सोचा कि थोड़ा खुला खुला पहन के जाया जाए। तो इस गर्मी, वैसे तो हर कोई जानता है मुंबई में गर्मी आ गई है, हॉटनेस बढ़ गई है, तो ऐसे में इस तरह खुले खुले कपड़ों का ही थोड़ा सा मतलब एक सहारा होता है कि थोड़ा मतलब लोगों को ये भी दिखाना होता है कि सिर्फ बिंदिया नहीं, मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। मुझे किसी ने किसी बुलाना बुलाना। वैसे एक साल कंप्लीट हो गया है शो को, किस तरह की रही जर्नी? बहुत एक्साइटिंग रही है जर्नी, बहुत अच्छा लगा। अब पहले तो ऐसे होते थे, मैं आपको सच बताती हूँ कि पहले जब भी कुछ होता था कि शो शुरू हुए हैं तो ख़त्म होंगे, एक ना एक दिन बंद होगा, तो ऐसा लगता है हाँ ऑफकोर्स बंद होगा। लेकिन बेगूसराय जैसे जैसे साल दिन आगे बढ़ा रहा है, हमें हम सब की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम सबको इस बात से डर लगता है कि शो कभी ना कभी तो बंद होगा, फिर हम क्या करेंगे, हम सारे कैसे, हम एक दूसरे को कितना मिस करेंगे। तो वी रियली होप ये ऐसे सालों साल चलता रहे हमारा बेगूसराय, कभी ना बंद हो, और ताकि हम सब कभी मिलना बंद ना करें और हम सब एक साथ काम करते रहें। वैसे आपने बॉन्डिंग की बात की है, मैंने जब भी विशाल और शिवांगी का इंटरव्यू लिया है, शिवांगी हमेशा एक ही वर्ड कहती हैं, उनके मुंह से हमेशा एक ही वर्ड आता है, श्वेता दी श्वेता दी श्वेता दी, कहाँ श्वेता दी श्वेता दी का फोन आया, श्वेता दी ने ये किया, मतलब उनके साथ में बॉन्डिंग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। बहुत ज़्यादा शिवांगी, एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी अपने इस यहाँ पर कैरेक्टर की, तो सबसे पहले शिवांगी ही थी सेट पे, एकदम रॉ, नई बच्ची जैसी, डरी हुई, यहाँ वहाँ चुपचाप बैठी हुई, और उसके लिए तो मैं बहुत बड़ी थी, बहुत सीनियर थी। तो वो छोटी सी बच्ची, इतनी प्यारी सी, क्यूट, इनोसेंट दिखने वाली बच्ची जो वहाँ पर भटकती रहती थी सेट पर, वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई, बात करनी शुरू किया, वहाँ से उसने मुझे दीदी बोलना शुरू किया। इतना प्यार हो गया है ना कि अगर वो दो दिन सेट पे ना देखूँ तो मुझे बेचैनी होने लगती है कि वो आई नहीं। उसकी माँ को फ़ोन करती हूँ, क्यों नहीं आई, वो बीमार सोचती हूँ तो मुझे वैसे बेचैनी शुरू हो जाती है कि वो बीमार है, वो बीमार है, मतलब यू नो। घर हमारे सेट पे वो और ऋचा, वो दोनों ही हैं जो यंगेस्ट हैं, सबसे छोटे और सेट के सबसे लाडले, मेरी तो बहुत ज़्यादा लाडली है वो, पर इस सेट के बच्चे जैसे ही हैं। हर चीज़ में उसकी ज़िद्द रहती है, हर चीज़ में उसकी ये रहती है कि ये मुझे नहीं मिला, ये मैं नहीं खाया, कोई भी खा रहा हो तो वहाँ पहुँच जाती, ये मैंने नहीं खाया, मतलब यू नो, सो शी इज़ द बच्चा ऑफ आवर सेट्स। वैसे ये दोनों काफी मस्ती करते हैं ऑफ स्क्रीन, आप इनके कुछ बोल खुलना चाहेंगे कितने, मतलब दोनों में से सबसे ज्यादा मस्ती खोर कौन है? नहीं, यही है सबसे ज्यादा मस्ती खोर, तो यही है वो, तो बेचारी इनोसेंस ही है, मस्ती खोर वो भी है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, मतलब यहाँ पर होता है कि जब हमें पता होता है कि हम सीन कर रहे हैं, ठीक है, और हमें आवाज़ आ रही होती है ना, हमें पता होता है ये विशाल है और उसका कुछ नहीं हो सकता, वो चुप हो जाएगा तो हम शॉट लेंगे, तो हम वेट करते हैं, विशाल चुप हो जा, विशाल चुप है, 5 मिनट के बाद उसे लगता है कि शूटिंग नहीं हो रही, हाँ हम चुप बैठते हैं ना, तब जाके चुप बैठ जाएगा, फिर हम शूटिंग करते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम विशाल को बोलते विशाल चुप हो जा साले। हेलो आप बढ़ाई कर रहे ना मेरी, थैंक यू सो मच, इतनी बड़ी एक्ट्रेस अगर इतने छोटे से जाके बढ़ाई करे कितना अच्छा लगता है। मेरा, आपने मेरा करियर संवार दिया तिवारी जी, आपको पता है मेरा करियर संवर गया, मेरा रेट बढ़ा दो आप। सो ही इज द नॉटिस्ट, ये जब भी आएगा सेट पे तो घुसते ही ही डजंट केयर,
के हॉल में सीन हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ से एंटर करेगा हर हर, और जैसे हर हर बोला जितने लाइट मैन ऊपर तरापे पे जो भी है सारे के साथ शुरू है महादेव, हम लोग एक मिनट छोड़ चल रहे हैं बस इसका हर हर महादेव सब सब खत्म हो जाता है। हर हर महादेव दो तीन भगवान का नाम लेने के बाद बोलता है अच्छा जा रहे हैं तैयार होके आते हैं। मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि शॉर्ट चल रहा था मैं बाद में। वैसे विशाल अगर आपके भाभी की अगर हम बात करें आज बिंदिया भाभी की, वो बहुत ही एकदम अलग अवतार में, मैंने इंट्रोडक्शन ही वैसे दिया था, आप क्या कहना चाहेंगे श्वेता के इस अवतार के बारे में? मत पूछो, वो कहेगा दो किलो कम कर लो मेरे साथ भगा लो, रोज कहता है रनिंग शू लेकर आओ हम भगा देते हैं तुमको, दो दिन भाग लो थोड़ी पतली हो जाओ थोड़ा, ये कर यही बोलेगा, मुझे पता ही यही बोलेगा। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत ब्यूटीफुल है, उतनी टैलेंटेड है, इंडस्ट्री टेलीविजन इंडस्ट्री का मेरा इकलौता क्रश है ये, क्रश ओके इकलौता, एंड भाभी नहीं है मेरी तो क्या है दीदी। वैसे आ जाओ जवाब तो दे दो। ये भाभी है अभिनव भाभी है हमारी, अभिनव भाभी, ए भी भाभी। वैसे देवर और भाभी का जो बॉन्डिंग होता है वो हम देख ही रहे हैं ऑन स्क्रीन, वैसे तो बहुत मस्ती खोर होता है लेकिन यहाँ पर टचन वाला जो होता है वो बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है ऑफ स्क्रीन। आप लोग कितना एंजॉय करते हैं जब एक दूसरे के साथ में होते हैं, कौन सबसे मतलब आप दोनों ने मिलकर कभी ऐसा प्रैंक किया है शिवांगी के साथ? लेकिन हम बहुत मस्ती खोर करते हैं, मैं मेरी सबसे ज्यादा किसी से बनती है सेट पे तो तिवारी जी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके डीपेस्ट सीक्रेट्स जो होते हैं ना यहाँ पे, जो किसी को पता नहीं होता, सबको लगता है अरे नहीं वो कर रहा होता है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता होता है, अब पता है बच्चे तो क्या कर रहा है सब कुछ पता होता है चुपचाप, और जब सब कुछ बोल देता है पता है ये हुआ ये हुआ ये हुआ, जब सब कुछ खत्म हो जाता है मैं कहती हूँ अब पता हुआ क्या ऐसा है। तो इनके साथ मैं ऐसी बॉन्डिंग शेयर करता हूँ ना, जितना हम ऑन स्क्रीन कम बातें करते हैं, जितना हम एक दूसरे कम फेस करते हैं ना ऑफ स्क्रीन ना, हम उतने ही I'm her little lamb. He is my little lamb. That's so true. उसके साइज पे मत जाओ, इसका बहुत सच है कि मैरी सुना है ना मैरी हैड अ लिटिल लैम, ही इज माय लिटिल लैम, ये आते ही कहते हैं तिवारी जी पता चलता है तिवारी जी ऊपर है, ऊपर चल के आ जाएगा वहीं बैठ जाएगा, अरे चलो शॉट रेडी है, हाँ एक मिनट तिवारी जी का शॉट खत्म हो रहा है, तिवारी जी का जब शॉट खत्म होता है ना तो वहाँ पे हेलो हाय बोल के फिर जाता है, शॉट अगर शॉट दे रहा है तो ही तिवारी से दूर है वरना तो तिवारी के आसपास ही रहता है। छोड़ मेरे बारे में बताओ। ये मुझे गोवा ले गई थी। हाँ ये मैडम का ये है कि ये गोवा गई थी, ठीक है गोवा गई थी, और इसने बेचारे ने बुलेट लिया था ये सोच के कि गोवा जाऊंगा हॉट लड़कियां मिलेंगी उनको पीछे बिठाऊंगा, तो चुपचाप जाके बाल बांध के बैठ गए, चुप कर मैं ही बैठूंगा पूरा गोवा ये उसके बुलेट में घूमी उसको कोई नहीं, जो इसके बाइक पे बैठी हुई थी और ये तो अपने हस्बैंड के साथ बिजी थी, मैं जस्ट ये हमारी टिकड़ी है, मैं भी लड़की ही हूं, ये हमारी टिकड़ी, we shop, we eat, we had fun together. और ये भी सच है कि लड़के होते हैं कि देखते हैं अरे वाह क्या हॉट लड़की है, ये देखता है तिवारी जी वो देखो जो स्कर्ट पहनी है उसको सूट नहीं कर रहा, मैंने कहा साले क्यों किस तरह, वो देखो वो बाल कलर करके आई है, मैंने कहा कौन, वो एडी देखो बाल कलर करके आई है, देखो तू क्या क्या देखता है, अरे मैं नहीं देखूंगा तो क्या होगा, वो मेरे लिए तो कलर करके आई है देखना तो पड़ेगा। सिंपल सी बात है, लड़की ने शॉर्ट शर्ट किसके लिए पहनी, लड़की को दिखाने के लिए नहीं ना, हमारे यहाँ माँ बाप नहीं है ना तो हमारे ये दूसरा फैमिली है, मतलब हम एक दूसरे सबको मिस करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा आप रह सकते हैं। अच्छा आपने ये जो डोले शोले बनाए ये किसके लिए बनाए, कहाँ बने अभी तक, बनने वाले हैं अभी उसके बाद पूछना, अभी तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये दिखता है ये एक मिनट रति ये जो दिखता है ना कि और मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये साला कोई भी डंडा दिखा ना एक किसी जन्म में बंदर था, देखो दिखता भी है बंदर नहीं लगता बाल छोटा सा मुंह, ये बंदर कोई भी कहीं भी डांडे वहाँ से पकड़ के लटक जाता है ऐसे करके, लेकिन क्या कर रहा है तिवारी जी आर्म्स मार रहा था लटका ही रहता है कहीं ना कहीं, किसी पेड़ पे लटक जाता है किसी रॉड पे लटक जाता है ऐसे गोल करके लटका रहता है। आजकल ये मैडम एक्सरसाइज पे इंस्पायर्ड होके देखो कम से कम 10 किलो कम किया है जब से वो आई है, सच में सिकुड़ गई है, और ये बार बार मुझे बोलता है जब भी आता है रूम में तिवारी तिवारी जी आइए देखिए रति को देखिए देखिए कितनी पतली हो गई आपको क्या हो गया आपको क्या हो गया। तुम जिम खोलने वाले हो, बिहारी बिहारी तिवारी बिहारी जिम
मेरा दो करियर बन गया डार्लिंग, तिवारी जी ने मेरा रेट बढ़ा दिया, इन्होंने मेरे करियर को जन्म दिया। कैमरामैन परेश के साथ पूजा तिवारी, टेली मसाला।